तो मेरा नाम संदीप कुमार है, आप देख रहे हैं इसके गुरु ब्लॉग चैनल। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रिएक्शन जब कराते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो पानी और जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हैं तो बनती है उसमें एसिटिलीन गैस, जो कि होती है ज्वलनशील। तो आप लोग इसका उपयोग घर में मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। और कैल्शियम कार्बाइड का दूसरा नाम है, जैसे अपने यहाँ गाँव की भाषा में या दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कार्बेट बोलती हैं। जब कैल्शियम कार्बाइड या कार्बेट को हम जब पानी में डालते हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो सारा सबको देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दो अभी हम बोतल ले रहे हैं। हमने एक बोतल ली है इस प्रकार की और ये है बैल कोल्हू की। तो इस इतनी बड़ी बोतल लेने के बाद इसमें और एक डिब्बा ये, तो इसके साथ हम इसमें वाटर और इसमें कैल्शियम कार्बाइड के जो टुकड़े हैं उनको हम डालेंगे इसमें और देखते हैं किस प्रकार से कैसे रिएक्शन करता है, तो इसकी हालत क्या होती है, और सारा सबको देखने को मिलेगा। और इस बोतल के साथ भी यही होगा। तो पहले नंबर पर हम बोतल को ट्राई करते हैं, उसके बाद इस डिब्बे में रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम भरते हैं, तो इसमें भर लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो ये रहा हमारा कैल्शियम कार्बाइड, ये टुकड़े होते हैं कैल्शियम कार्बाइड के, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं और ये पाउडर के जैसे। तो इनको इनमें भर देते हैं पहले।